हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे प्रोसेसर के जनरेशन के बारे में। उस दिन हमने वीडियो में बात किया था प्रोसेसर जैसे i3, i5, i7 प्रोसेसर के बारे में बात किया था, अलग अलग कैटेगरी के जो प्रोसेसर होता है। लेकिन आज बात करेंगे हम प्रोसेसर के जनरेशन के बारे में। तो प्रोसेसर का जनरेशन जो अपडेट होता है, अपडेट होने से प्रोसेसर में क्या चेंजेस आता है और उसमें किस तरह से उसका फंक्शन में क्या क्या चेंजेस आता है और उसका स्पीड कैसे इंक्रीज होता है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको ये समझना होगा प्रोसेसर जो होता है, प्रोसेसर कंप्यूटर का जो हम समझते हैं कंप्यूटर का दिमाग, जिसको बोल सकते हैं आप कंप्यूटर का दिमाग, वो होता है प्रोसेसर। तो उसका जब जनरेशन अपडेट होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका छोटा छोटा ट्रांजिस्टर होता है, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर होता है, मतलब करोड़ों ट्रांजिस्टर होता है। उसका डिस्टेंस जो है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास एक प्रोसेसर है, तो आप देख सकते हैं ये जो है कंप्यूटर का प्रोसेसर। तो इस तरह से होता है कंप्यूटर का प्रोसेसर। अब जो ये प्रोसेसर है, इसके अंदर जो है आप देख सकते हैं, इसके अंदर आपको ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसके अंदर जो है मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो वो जो छोटा छोटा ट्रांजिस्टर है वो आप खाली आँख से तो नहीं देख सकते, लेकिन इसके अंदर है। तो मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर मतलब क्या है, जैसे हम जानते हैं 10 लाख में 1 मिलियन होता है, तो उसमें करोड़ों ट्रांजिस्टर हो सकता है। तो उस ट्रांजिस्टर का जो बीच का डिस्टेंस है वो, मतलब एक एक ट्रांजिस्टर का बीच का जो गैप है उसको मापने के लिए नैनोमीटर का यूज़ किया जाता है। तो वो जितना कम नैनोमीटर रह जाएगा डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस को कम करते जाएंगे कंपनी, तो उसमें क्या होगा, उसके बीच का जो गैप कम होता जाएगा और उसका जो पावर कंजप्शन है वो कम होता जाएगा, और उसका जो स्पीड है प्रोसेसर का, स्पीड को मापते हैं गीगाहर्ट्ज़ में, तो वो स्पीड जो है उसका इंक्रीज होता जाता है, मतलब स्पीड बढ़ता जाता है, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ता है। मतलब किसी भी चीज़ को हम सर्च करते हैं तो उसको कितना फास्ट हमें रिजल्ट दिखाता है, तो वही काम है प्रोसेसर का। तो वो जो है बहुत फास्ट होता जाता है। तो इसी तरह से जो है कंपनी जो है किसी भी प्रोसेसर, जैसे i3, i5, i7, कुछ भी प्रोसेसर हो, हर किसी प्रोसेसर का जो है हर 1-2 साल में जो है कंपनी जो है उसका जो ट्रांजिस्टर का बीच का गैप है उसको कम करने की कोशिश करता है, जितना हो सके, जितना नैनोमीटर हो सके कम करने की कोशिश करता है, 1-2 नैनोमीटर हो, जितना भी हो, अगर कम कर सकता है कंपनी तो उसको एक न्यू जनरेशन में लाता है। तो उसका जो है प्राइस भी ज़्यादा होता है और उसका स्पीड भी ज़्यादा होता है। तो हम उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि प्रोसेसर का जनरेशन अपडेट होने से उसका स्पीड भी इंक्रीज़ होता है और उसका जो पावर कंजप्शन है वो भी कम होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रोसेसर के अपडेट होने से उसका जो ट्रांजिस्टर के बीच का डिस्टेंस है वो कम होता जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।